जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, मोदी सरकार ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां। नए टेलीकॉम बिल के पास होने पर प्रियंका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से पूछा, ये संयोग है या फिर प्रयोग। जैसे जैसे नजदीक चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट बीजेपी से कई सवाल पूछे। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में क्या हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट के माध्यम से पूछा, नया टेलीकॉम विधेयक तब क्यों पास हुआ जब विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड थे, इसमें कोई रिश्ता है क्या। नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से सैटेलाइट से इंटरनेट स्पेक्ट्रम के आवंटन में बोली लगाने बिडिंग के नियमों को क्यों हटाया गया। उन्होंने पूछा, आवंटन में बोली लगाने के नियम को हटाने से दूसरी कंपनियां बिडिंग में हिस्सा नहीं ले पाई, इससे राष्ट्रीय खजाने को कितना नुकसान हुआ। नए टेलीकॉम विधेयक के माध्यम से मोदी सरकार से 2012 से लागू सुप्रीम कोर्ट के नियमों की दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी, ऐसा आखिर क्यों किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर चंदा दो धंधा लो के जिस बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, उसमें लाभार्थी कॉरपोरेट कंपनी से बीजेपी को मिले 150 करोड़ रुपये के चंदे का क्या योगदान है। इससे पहले प्रियंका गांधी खाली सरकारी पद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने पूछा था, देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा क्यों हैं, सालाना 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, देश में 30 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं, हर परीक्षा का पेपर लीक क्यों होता है। उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया था कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कब मिलेगा, देश के पदों और संसाधनों में हमारे दलित पिछले आदिवासी अल्पसंख्यक और गरीब सर्वलोक की उचित भागीदारी क्यों नहीं है।